गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द कलरफुल लाइफस्टाइल। और आज हम आए हैं, ये है एक पार्क, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, लोकेशन आप देख सकते हैं। और ये है कृष्ण शायर पार्क इन बर्धमान, तो वही आज हम दिखाएंगे। इसके साथ और भी जगह हम जाएंगे, यहीं पे है नज़दीक पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और तो चलिए हमारे साथ घूमते हैं ये पूरा पार्क। पार्क बहुत ही खूबसूरत है और साथ में एक बड़ा सा लेक भी है, तो हवा भी बहुत ठंडा है यहाँ का। पार्क में बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट है, और जो लोग इस पार्क का देखभाल करते हैं वही लोग इसका मेंटेन करते हैं। सो ये पार्क बहुत ही अच्छा, वेल डेकोरेटेड एंड वेल मेंटेन है। हम थोड़ा गर्मी में आए हैं, बट यहाँ का हवा बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शाम के टाइम आई थिंक इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे। ये कृष्णशायर पार्क में एंट्री के लिए आपको 30 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लेना पड़ेगा, जो आई थिंक 2 आवर्स के लिए वैलिड है। और ये 2 आवर्स काफ़ी है ये पूरा पार्क घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये, एकदम पूरा पेड़ से सजी हुई है, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स है अंदर। हाँ, और एक लेक भी है पीछे बड़ा सा। और पूरा पार्क इतना प्लेजेंट है, इसका मतलब नेचर, पूरा नेचर से भरी हुई बहुत खूबसूरत पार्क है। ये दोनों स्पॉट से फोटोशूट के लिए एकदम परफेक्ट है, और मैं बहुत ही ज़्यादा फोटोशूट करना पसंद करती हूँ, इसीलिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप भी मेरी तरह है तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पार्क है बर्धमान की गुलाब बाग बोल के एक जगह है वहाँ पे, और ये पार्क का नाम है कृष्ण शायर पार्क। ये है, ये छोटी है, ये पेड़ से बनी हुई है, ये कछुआ मतलब टॉर्टोइस बना के रखे है। अभी हम जा रहे हैं बर्धमान जूलॉजिकल पार्क में। ये एक ही एरिया है गुलाब बाग बोल के एक एरिया, वहाँ पे सब है,
एकदम पास में ही, ये जूलॉजिकल पार्क के एकदम पास में है मेघनाथ शाह प्लैनेटेरियम, साइंस प्लैनेटेरियम, एंड उसके पास में ही है बर्धमान साइंस सेंटर, साइंस म्यूजियम, और ये है बीच में, और जो है कृष्ण शायर पार्क वो थोड़ा आगे है। सब एक ही जगह में है, टूरिस्ट स्पॉट एक ही जगह में, तो आप घूमने के लिए बहुत ईजी है। और हम बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल हॉलिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं ट्रैवल करना, इधर उधर कहीं पे भी चले जाते हैं हम अगर टाइम मिलता है तो। तो आप लोग भी अगर ट्रैवल हॉलिक है और घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। और इसीलिए हमने ये जगह, ये लोकेशन आपके साथ शेयर किया, क्योंकि अगर आपको एक दिन का भी छुट्टी मिलेगा या फिर वन डे टूर करना चाहते हैं आप, तो ये एकदम परफेक्ट है। और भी बहुत सारे जगह है, तो एक दिन बहुत अच्छे से कट जाएगा। पीछे जो है वहाँ पे एक चीता बाघ, आई मीन लेपर्ड था, सोया हुआ है, एकदम उठ के नहीं आया एकदम सामने, इसीलिए देख नहीं पाए। अंदर भी है, हरिन है, डियर है, ये है देखिए अंदर। यहाँ पे है स्पॉटेड डियर, चीतल, हरिन, हरिन इसके अंदर है, बहुत सारे है एकदम, देखिए दिख रहा है। यहाँ पे बैठने का जगह है, आप बैठ के खाना पीना खा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्रोकोडाइल, फॉक्स और ऑस्ट्रिक देखे हैं, और भी कुछ है बट सब हमको देखने को नहीं मिला। सो गाइस, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। हमने इस दिन कहाँ पे लंच किया ये भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप चाहे तो वहाँ पे खा सकते हैं। ओके, बाय बाय।